टाइम 10:30 बजे के ऊपर हो चला था। मुंबई स्थित सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिस में एक इंस्पेक्टर अपनी मेज पर पड़ी फाइलों में पूरी तरह डूबा हुआ है। सीबीआई की एसटीएफ के इंस्पेक्टर रमन त्यागी अपनी शिफ्ट खत्म होने के 3 घंटों बाद भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिन मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में 2 साल पहले हुए सीरियल धमाकों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुनवाई है। 1993 में हुए इन धमाकों ने मुंबई के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, इसलिए इंस्पेक्टर त्यागी अपनी तैयारी में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। फाइलों में खोए इंस्पेक्टर त्यागी अपना काम निपटा ही रहे होते हैं कि उनकी मेज पर रखा फोन बजने लगता है। पहले तो इंस्पेक्टर त्यागी को लगता है कि शायद उनकी पत्नी एक बार फिर से ये पूछने के लिए फोन कर रही हैं कि वो कितनी देर में घर के लिए निकलने वाले हैं। एक क्षण को तो वो सोचते हैं कि फोन उठाता ही नहीं हूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि घर जाकर 100 सवालों के जवाब देने से अच्छा यही है कि फोन उठा ही लेता हूं। जैसे ही वो फोन उठाते हैं दूसरी तरफ से आवाज आती है, आदाब साहिब। इस आवाज को इंस्पेक्टर त्यागी बहुत अच्छे से पहचानते थे। ये डी कंपनी में काम कर रहा उनका एक खबरी बोल रहा था। हाँ बोलो, क्या खबर है? इंस्पेक्टर त्यागी अपने खबरी से पूछते हैं। उधर से उनका खबरी जवाब देता है, अरे साहब आपके काम की खबर है, सलीम कुरला का फोन नंबर मिल गया है, वो हैदराबाद में है। ये नाम सुनते ही इंस्पेक्टर त्यागी की दिन भर की सारी थकान पूरी तरह उतर जाती है। सीबीआई पिछले 2 सालों से सलीम कुरला को ढूंढ रही थी। उसके ऊपर दाऊद के साथ मिलकर 93 के धमाकों को रचने का आरोप था। दुबई से बोल रहा ये खबरी आगे कहता है, साहब आप हैदराबाद पहुंचो, मैं सलीम से बात करके कंफर्म कर दूंगा कि वो वहां है या नहीं, और आप रेड कर देना। इस खबरी ने आज तक इंस्पेक्टर त्यागी को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए खुशी से फूल चुके इंस्पेक्टर रमन त्यागी तुरंत इस लैंडलाइन की लोकेशन निकलवाते हैं और ये जानकारी अपने एसपी सतीश झा को दे देते हैं। इंस्पेक्टर त्यागी के खबरी की इस जानकारी के आधार पर मुंबई और दिल्ली के सीबीआई ऑफिसर्स की एक टीम, जिसका नेतृत्व सीबीआई एसटीएफ के डीआईजी नीरज कुमार कर रहे थे, सलीम कुरला को दबोचने के लिए हैदराबाद रवाना हो जाती है। लेकिन जब सीबीआई की ये टीम हैदराबाद में सलीम कुरला के ठिकाने पर पहुंचती है तो वो वहां से गायब हो चुका होता है। इंस्पेक्टर त्यागी को कुछ भी समझ में नहीं आता। आज तक कभी भी उनकी इंफॉर्मेशन बोगस नहीं निकली थी और इसीलिए उनकी इस इंफॉर्मेशन के आधार पर एक डीआईजी और एक एसपी अपना सारा काम छोड़ इस ऑपरेशन पर आए थे। क्या इंस्पेक्टर त्यागी के साथ धोखा हो चुका था? क्या डी कंपनी के उस खबरी ने सीबीआई को डबल क्रॉस कर दिया था? क्या 93 के धमाकों का आरोपी सलीम कुरला कभी भी सीबीआई की गिरफ्त में नहीं आने वाला था? जानेंगे मातृभूमि के आज के एपिसोड में। नमस्कार, जय मां भारती। दाऊद और उसके छोटे भाई अनीस समेत डी कंपनी के कई आदमी 1993 के मुंबई धमाकों में मुख्य आरोपी थे। ऐसा ही डी कंपनी का एक आदमी था सलीम कुरला। उस समय सलीम कुरला डी कंपनी के लिए मुंबई में जबरन वसूली, प्रोटेक्शन और बॉलीवुड का काम संभाला करता था। वैसे तो सलीम कुरला का असली नाम था सलीम बिस्मिल्ला खान और वो कुरला का रहने वाला था, लेकिन क्योंकि डी कंपनी में कई सारे सलीम काम करते थे, इसलिए ऐसे सभी लोग जिनके एक जैसे नाम थे, कंफ्यूजन दूर करने के लिए उनको अलग अलग उपनाम दिए गए थे, जैसे कि छोटा शकील, लंबू शकील, सलीम टेम्पो, सलीम कुत्ता और हमारी इस कहानी का मेन विलन सलीम कुरला। 93 के धमाकों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सलीम कुरला की काफी बड़ी भूमिका थी। उसने अपने 4 गुर्गों उस्मान खान, सैयद इसाक, शेख इब्राहिम और मोहम्मद हनीफ को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा था, जहां इस्लामाबाद के पास कुछ जंगलों में कई दिनों तक उनकी काफी प्रचंड ट्रेनिंग चली थी। लेकिन धमाकों वाले दिन सलीम कुरला और सैयद इसाक मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के एक लॉकअप में बंद थे। इन दोनों को एक गुजराती बिजनेसमैन से जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 93 के धमाकों की जांच में आगे चल के सलीम कुरला और उसके चारों साथियों को गिरफ्तार किया जाता है और इन सभी को 6-6 साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई जाती है। लेकिन सलीम कुरला किसी तरह जेल से भागने में सफल हो जाता है, जिसके बाद सीबीआई उसे अपनी मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में डाल देती है और उसके पर 2 लाख रुपए का नगद इनाम भी घोषित कर देती है।
एसपी सतीश झा दिल्ली में बैठे अपने बॉस डीआईजी नीरज कुमार को फोन करते हैं और इंस्पेक्टर रमन त्यागी से मिली सलीम कुरला की सारी जानकारी उनके साथ शेयर करते हैं। नीरज कुमार एसपी सतीश झा को इंस्पेक्टर त्यागी के साथ पहली फ्लाइट से हैदराबाद निकलने का आदेश देते हुए कहते हैं कि वो भी खुद दिल्ली से हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं। एसपी झा डीआईजी नीरज कुमार से अपने एक और ऑफिसर इंस्पेक्टर डी के परदेसी को भी साथ ले जाने का आग्रह करते हैं और नीरज कुमार इसकी अनुमति दे देते हैं। एसपी सतीश झा इंस्पेक्टर रमन त्यागी और इंस्पेक्टर डी के परदेसी उसी दिन की शाम 8 बजे तक हैदराबाद पहुंच जाते हैं और उनके 1.5 घंटे बाद डीआईजी नीरज कुमार भी हैदराबाद एयरपोर्ट पर होते हैं। जब तक नीरज कुमार बेगमपेट में स्थित एसीपी के ऑफिस पहुंचते हैं, इंस्पेक्टर त्यागी और इंस्पेक्टर परदेसी उस बिल्डिंग की रेकी करने के लिए निकल चुके होते हैं जहां वो फोन नंबर लगा हुआ था। इंस्पेक्टर त्यागी उस लोकेशन से कुछ ही दूर एसीपी ऑफिस और पास ही स्थित एक फोन बूथ का नंबर भी अपने खबरी के साथ शेयर कर देते हैं। इधर लोकेशन पर इंस्पेक्टर त्यागी और इंस्पेक्टर परदेसी और उधर एसीपी ऑफिस में नीरज कुमार और सतीश झा बड़ी ही बेसब्री के साथ खबरी से कंफर्मेशन आने का इंतजार करने लगते हैं। सेकेंड मिनटों में बदल जाते हैं और मिनट घंटों में, लेकिन वो कन्फर्मेशन कभी भी नहीं आती। कुछ घंटों बाद इंस्पेक्टर त्यागी अपना मुंह लटकाए एसीपी ऑफिस में प्रकट होते हैं। उनका चेहरा देखते ही दोनों आईपीएस ऑफिसर समझ जाते हैं कि खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। किसी तरह हिम्मत करते हुए इंस्पेक्टर त्यागी कहते हैं, सर मेरे खबरी का फोन आया था, वो कह रहा था कि गैंग के बॉसेस को ऑपरेशन का पता चल गया था और उन्होंने सलीम कुरला को टिप ऑफ कर दिया और अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। इंस्पेक्टर त्यागी आगे बताते हैं कि कराची से सलीम कुरला को फोन करके बोला गया था कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, निकल लो, जिसका मतलब था कि पुलिस आ रही है, फटाफट वहां से निकल जाओ। इंस्पेक्टर त्यागी की ये बात खत्म होते ही नीरज कुमार अपना आपा खो बैठते हैं और त्यागी को खरी खरी सुनाना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर शांत रहने वाले नीरज कुमार के पास इतना गुस्सा करने का बहुत अच्छा कारण भी था। उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए 2 इंस्पेक्टर्स को फ्लाइट से हैदराबाद भेज दिया था, जबकि उस समय तक सीबीआई के इंस्पेक्टर्स को ऑफिशियल काम के लिए फ्लाइट से यात्रा करने की परमिशन नहीं थी। नीरज कुमार ने सोचा था कि एक बार ऑपरेशन सफल हो गया, सलीम कुरला पकड़ा गया तो कोई उनसे कुछ भी नहीं पूछने वाला, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब दिल्ली वापस जाकर नीरज कुमार को अपने सीनियर्स का सामना करना था, उनकी खरी खोटी सुननी थी, सैकड़ों सवालों के जवाब देने थे। इंस्पेक्टर त्यागी के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद डीआईजी नीरज कुमार और एसपी सतीश झा एसीपी ऑफिस से पुलिस मेस के लिए निकल पड़ते हैं जहां उन्हें आज की रात बितानी थी। त्यागी और परदेसी भी उनके पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में निकल जाते हैं। पूरे रास्ते नीरज कुमार और सतीश झा दोनों ही चुपचाप बैठे रहते हैं, एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन फिर निराशा की इस घड़ी में यकायक नीरज कुमार के दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना कम से कम एक बार उस बिल्डिंग का दौरा तो कर ही लिया जाए जहां वो लैंडलाइन फोन लगा हुआ है। जैसे ही नीरज कुमार अपने मन की ये बात कहने के लिए सतीश झा की तरफ मुंह घुमाते हैं, एसपी झा उनसे बोलते हैं, सर एक बार उस फ्लैट पर जाने में क्या नुकसान है जहां कुरला छुपा हुआ था। दोनों ऑफिसर्स के दिमाग में एक समय बिल्कुल एक ही विचार आना संयोग मात्र था या कोई चमत्कार, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन नीरज कुमार तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। पीछे पीछे आ रहे इंस्पेक्टर त्यागी और इंस्पेक्टर परदेसी भी अपनी गाड़ी रोककर नीचे उतरते हैं और नीरज कुमार के पास आ जाते हैं। एसपी जा इंस्पेक्टर त्यागी से कहते हैं कि हमें उस फ्लैट पर ले चलो जहां का वो नंबर है। इस बार इंस्पेक्टर त्यागी की गाड़ी आगे आगे थी और नीरज कुमार की पीछे पीछे। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां सिकंदराबाद की उस 4 मंजिला बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर जाकर रुक जाती हैं और सीबीआई के चारों ऑफिसर्स नीचे उतरकर पैदल ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये ऑफिसर्स देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से तेज बॉलीवुड म्यूजिक बजने की आवाज आ रही है। 2-3 बार आवाज मारने के बाद जैसे ही ऑफिसर्स घर के अंदर घुसते हैं, एक छोटा सा बच्चा सामने प्रकट होता है और अपनी प्लास्टिक की पिस्तौल तानते हुए बोलता है, हैंड्स अप। इंस्पेक्टर डी के परदेसी तो बच्चे का दिल रखने के लिए अपने हाथ भी ऊपर करने ही लगते हैं कि तभी दूसरे कमरे से बच्चे के माता पिता बाहर आ जाते हैं। सीबीआई की ये टीम अपने आईडी कार्ड्स दिखाते हुए घर के आदमी से पूछती है कि क्या 8131
नंबर आपका ही है, वो आदमी हाँ में जवाब दे देता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर त्यागी अपनी जेब से सलीम कुरला की एक फोटो निकाल कर उस आदमी को दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या इस आदमी ने कभी आपके फोन का इस्तेमाल किया है। इस प्रश्न का उत्तर भी हाँ में देते हुए वो आदमी कहता है, अरे हाँ, ये तो अपने अहमद भाई हैं, दूसरी मंजिल के फ्लैट में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए पर रहते हैं। इस घर के लोग सीबीआई की टीम को सलीम कुरला की गाड़ी का नंबर, रंग और दूसरी डिटेल्स दे देते हैं और बताते हैं कि वो आज सुबह ही अपनी फिएट गाड़ी में पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया है। रूटीन रिस्पांस के तौर पर सीबीआई की टीम हैदराबाद पुलिस को गाड़ी की डिटेल्स वायरलेस पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहती है और वहां से निकलने लगती है कि तभी वो बच्चा पीछे से भागा भागा आता है और साइड में खड़े एक स्कूटर की तरफ उंगली करते हुए कहता है, अंकल अंकल, ये स्कूटर भी उनका ही है। चारों सीबीआई ऑफिसर्स स्कूटर पर एक नजर घुमाने के बाद वहां से निकलने लगते हैं कि तभी अचानक इंस्पेक्टर त्यागी रुक जाते हैं और नीरज कुमार से कहते हैं, सर क्यों ना मैं और परदेसी आज रात यहीं रुक जाएं और स्कूटर पर नजर रखें। मेरे खबरी के अनुसार सलीम कुरला को आजकल पैसे की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, क्या पता वो अभी भी हैदराबाद में ही कहीं हो और अपना स्कूटर लेने आ ही जाए। ये सोचते हुए कि इतनी दूर आए हैं तो ये भी करके देख ही लेते हैं इसमें नुकसान क्या है, नीरज कुमार इंस्पेक्टर त्यागी को वहीं रुकने की अनुमति दे देते हैं। इंस्पेक्टर त्यागी और इंस्पेक्टर परदेसी के साथ हैदराबाद पुलिस के एक एसआई वी राव भी वहीं रुक जाते हैं, जबकि नीरज कुमार और एसपी सतीश झा पुलिस मेस के लिए निकल जाते हैं। सुबह 5 बजे के उठे हुए नीरज कुमार पुलिस मेस पहुंचते ही बिना कुछ खाए पिए सोने की तैयारी करने लगते हैं। स्नान लेने और कपड़े बदलने के बाद अभी नीरज कुमार सोने के लिए तकिए पर सर रख ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। नीरज कुमार को लगता है कि मेस का कोई स्टाफ उनसे खाने के लिए पूछने आया है। नींद के मारे चिड़चिड़े हो चुके नीरज कुमार जैसे ही झुंझुलाहट में दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने इंस्पेक्टर त्यागी और इंस्पेक्टर परदेसी खड़े होते हैं और इन दोनों के बीच में एक लंबा सा आदमी भी होता है। इससे पहले कि नीरज कुमार कुछ बोल या पूछ पाते, इंस्पेक्टर त्यागी अपने साथ खड़े उस लंबे से आदमी की गुद्दी पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, ये लीजिए सर, ये रहा सलीम कुरला। ये सुनते ही 18-19 घंटों से जाग रहे डीआईजी नीरज कुमार की नींद पूरी तरह फाख्ता हो जाती है और वो तुरंत अपने कपड़े बदलकर दोनों इंस्पेक्टर्स और सलीम कुरला के साथ मेस की लाउंज में जाकर बैठ जाते हैं, जहां कुछ मिनट बाद एसपी सतीश झा भी दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं और इसके बाद इंस्पेक्टर त्यागी बताते हैं कि उन्होंने सलीम कुरला को आखिर कैसे पकड़ा। असल में डीआईजी कुमार और एसपी झा के वहां से चले जाने के बाद इंस्पेक्टर त्यागी, इंस्पेक्टर परदेसी और एसआई राव उस बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर एक अंधेरे से कोने में घात लगाकर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद इन तीनों को एक 3-व्हीलर दिखाई पड़ता है जो उस बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर आकर रुक जाता है और ऐसे ही खड़ा रहता है। कुछ मिनट बाद एक लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी 3-व्हीलर से नीचे उतरता है, चारों तरफ अच्छे से अपनी नजरें घुमाता है और बहुत ही धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही आदमी उस स्कूटर के पास पहुंचकर अपनी जेब से चाबियां निकालने लगता है, तीनों इंस्पेक्टर्स पीछे से आते हैं और इस आदमी को धर दबोचते हैं। ऐसा ही राव हथियारों के लिए इस आदमी की जेबें चेक करने लगते हैं और इंस्पेक्टर त्यागी उससे उसका नाम पूछते हैं, फिरोज अहमद पाशा। अभी ये आदमी अपना नाम पूरा बता भी नहीं पाता कि तभी इंस्पेक्टर त्यागी उसके कान के नीचे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं, अबे साले चिया समझा है क्या, चल फटाफट अपना असली नाम बता। खुद को फिरोज अहमद पाशा बताने वाला ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी एक ही थप्पड़ में अपना असली नाम बता देता है, सलीम कुरला। लेकिन जब इससे इसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा जाता है तो ये चुप्पी साध लेता है, एक भी शब्द नहीं बोलता। इसके बाद इंस्पेक्टर त्यागी उस ऑटो रिक्शा वाले के पास जाते हैं और उसे अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए पूछते हैं कि भैया तुमने इस आदमी को कहां से बिठाया था। ऑटो वाला इंस्पेक्टर त्यागी को बताता है कि उसने सलीम कुरला को सिंधी कॉलोनी के हेरिटेज होटल से अपने ऑटो में बिठाया था। रात के लगभग 2:45 बजे सीबीआई की टीम हेरिटेज होटल पहुंच जाती है, जहां रूम नंबर 437 में उनको सलीम की पत्नी रिजवाना और तीनों बच्चे मिलते हैं। इसी दिन शाम को 4:30 बजे की इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से सलीम को मुंबई ले जाया जाता है, जहां 93 के धमाकों की ट्रायल कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में भेज देती है। लगभग 2 सालों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद मई 1997 में सलीम कुरला को खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल मिल चुकी थी। डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाई बीपी के चलते सलीम कुरला ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ही रहता था और वहीं से अपना जबरन वसूली का धंधा भी फिर से शुरू कर चुका था।
21 अप्रैल 1998 के दिन सलीम कुरला अंधेरी वेस्ट के बेलव्यू नर्सिंग होम में वार्ड एक के एक बेड पर लेटा हुआ था और उसका ड्राइवर आरिफ केबल वाला उसके पास बैठा था। सुबह के लगभग 11:30 बजे 11 लोग इस हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर घुसते हैं और सलीम के कमरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन 11 में से 8 लोग हॉस्पिटल में अलग अलग जगहों पर पोजीशंस ले लेते हैं और बाकी के 3 लोग सलीम कुरला के कमरे में घुस जाते हैं। कुछ सेकंड बाद ये पूरा का पूरा अस्पताल गोलियों के शोर से दहल उठता है। ये लोग सलीम कुरला को 8 गोलियां मारते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सलीम के ड्राइवर आरिफ को 4 गोलियां लगती हैं और कुछ दिन बाद वो भी दम तोड़ देता है। असल में सलीम कुरला छोटा राजन के बदला अभियान का सबसे पहला शिकार था। अभियान जो छोटा राजन ने दाऊद से अलग होने के बाद उससे बदला लेने के लिए डी कंपनी के खिलाफ चलाया था। यदि उस रात गाड़ी में बैठे बैठे डीआईजी नीरज कुमार और एसपी सतीश झा दोनों के दिमाग में एक ही बात ना आई होती और उन्होंने अपनी गाड़ी वापस ना घुमाई होती, यदि इंस्पेक्टर त्यागी और इंस्पेक्टर परदेसी उस स्कूटर पर नजर रखने के लिए उस रात वहीं ना रुके होते, तो शायद 93 के धमाकों का आरोपी सलीम कुरला सीबीआई के हत्थे ना चढ़ पाया होता। विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ भी करके धैर्य और संयम बनाए रखना कैसे आपको हारी हुई बाजी जितवा सकता है, सीबीआई का ये ऑपरेशन इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखे, पूरी तरह स्वस्थ रखे, और आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अपने घरों से बाहर ना निकलें और सरकार और पुलिस को अपना भरपूर सहयोग दें। जल्दी मिलेंगे मातृभूमि के एक और अत्यंत रोचक एपिसोड के साथ, रोचक कहानी के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।